हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का अगला टॉपिक रिचटलियर प्रिंसिपल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए और इवन कंपटीशन लेवल में भी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो रिचटलियर प्रिंसिपल से आ गए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी करते हैं देखो रिचटलियर प्रिंसिपल। ओके, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कोई सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है, उस पे यदि हम चेंजेस कर देते हैं, यदि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कर दिया, इफेक्ट ऑफ मतलब टेम्परेचर कंसंट्रेशन वॉल्यूम एंड सो ऑन, इनकी यदि हम चेंज कर देते हैं, कैटलिस्ट को एंटर कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है हमारे पास, कोई सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम पे है उस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, उस पे इफेक्ट क्या पड़ता है, वही क्या है हमारे पास रिचटलियर प्रिंसिपल। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिचटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन बता दूंगा मैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन रिचटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। आगे ये भी आएगा कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जो भी है वो पूछ लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें ही रिचटलियर प्रिंसिपल है। रिचटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है देखो, if a system is in equilibrium, if a system is in equilibrium, is in equilibrium, subjected to any change in temperature, concentration, pressure, volume, etc., then equilibrium adjusts itself in such a way that the change will undo or neutralize. Change will undo or neutralize. Okay. तो ये क्या है हमारे पास देखो रिचटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन आ गई। कि इसने क्या बोला देखो, कि सिंपल सा है देखो, इफ ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, माना ये सिस्टम, कोई सिस्टम है हमारे पास, ये किसमें है, इक्विलिब्रियम पे है, इसमें ये इक्विलिब्रियम पे है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। यदि हम यहां पे कोई चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर कंसंट्रेशन प्रेशर और वॉल्यूम, हमने टेम्परेचर ही चेंज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द रिचटलियर प्रिंसिपल। और इसने ये भी बोला कि ऐसा नहीं होता है कि ये इक्विलिब्रियम है, ये स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम, बट बाद में इक्विलिब्रियम अपने आप को इस वे में एडजस्ट करता है कि दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाता है। और जो चेंज है, जो चेंज हुई थी, जो हमने टेम्परेचर चेंज किया हुआ था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया हुआ था, वो क्या हो जाती है, अंडू, खत्म हो जाती है या वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओके, वो क्या हो जाती है, या तो खत्म हो जाएगी या तो न्यूट्रलाइज जो है ये हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम देखो, रिचटलियर प्रिंसिपल, क्या जाता है ये रिचटलियर प्रिंसिपल। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं देखो, हमारे पास प्रेशर कुकर होता है घरों में, ठीक है, ऐसे करके देखो, दिस इज द प्रेशर कुकर होते हैं, इसको यदि हम कांस्टेंट हीट दे रहे हैं देखो, ठीक है, कांस्टेंट हीट दिया हमने, यहां पे टेम्परेचर क्या हुआ, मतलब
ये टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है इसका, अंदर क्या होगा देखो, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे ऐसे करके। एक ऐसी स्टेज आएगी कि वेपर कंडेंस होके, मतलब वेपर और ये जो लिक्विड है इनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है। तो एट दिस स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पे ही कुकर जो है वो सीटी मारने लगता है। यहां से प्रेशर क्या होता है? रिलीज हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है यहां से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टर्ब हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार प्रेशर रिलीज हो गया तो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, दोबारा से कुकर जो सीटी नहीं मारता है, कुकर जो है वो दोबारा से सीटी मारेगा। यदि आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा है तो यहाँ पे दोबारा से अंदर क्या हुआ? वेपर बने, दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ और दोबारा से जो है कुकर सीटी मारने लग पड़ा, ठीक है। तो यही क्या है, मतलब जो स्टार्टिंग में चेंज आई थी, प्रेशर यहां से रिलीज हुआ था, तो उसी प्रेशर को क्या कर दिया, उसी चेंज को क्या कर दिया इक्विलिब्रियम ने? दोबारा से मेंटेन कर दिया। दोबारा से क्या हो गया? ये अंडू हो गया और जो चेंज है वो अंडू हो गई और न्यूट्रलाइज हो गई, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास लीचेटलियर प्रिंसिपल। ओके, तो लीचेटलियर प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, देखो जो लीचेटलियर प्रिंसिपल है इसमें हम एक एक करके इफेक्ट्स को देखेंगे कि कैसे ये इफेक्ट्स जो है वो चेंज होते हैं। मैं भी एक एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जो है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब इसमें आपने एक पॉइंट पे लिखना है देखो कि यदि हम कोई भी, जैसे ये रिएक्शन है, ए पॉइंट मत लिखो अभी, ये ए टू वी है हमारे पास, ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये है हमारे पास रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हम ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे या बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस साइड को शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस साइड को शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड को ज्यादा से ज्यादा, मतलब तो ही न्यूट्रलाइज होगी ना, ठीक है। मतलब देखो ये इसकी ए और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो इसको कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होगी यहां पे कम होगी, तो ये न्यूट्रलाइज कैसे होगी, इक्वल में कैसे आएगी? जब ये रिएक्शन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम हो जाएगी, तो ये इस साइड को जाके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें आपने ए पॉइंट लिखना है, इफ कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, ठीक है, या तो ए या तो बी, या ए बी की ही इंक्रीज कर दो ए बी। और हम सिंपली कह सकते हैं कि रिएक्टेंट इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ, शिफ्ट इटसेल्फ टुवार्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट करेगा। ओके, और ये न्यूट्रलाइज होकर दोबारा से इक्विलिब्रियम जो वो अटेन हो जाता है। इसमें ही आपने बी पॉइंट लिखना है, देखो इफ कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर डी, ओके, और हम कहेंगे कि प्रोडक्ट इसकी इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज, इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवार्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, टुवार्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन,
बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, यदि हम सी आर डी की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, सी आर डी की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ये कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये किस साइड को इंक्रीज करेगा, देखो डिक्रीज करेगा, इस साइड को ये न्यूट्रलाइज करेगा। ये देखो सेम सिस्टम ऐसा है कि हमने देखो हमने खाना खाया, ठीक है, खाना खा के हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, मतलब डाइजेशन के लिए, बॉडी हमारी क्या करती है, देखो एनर्जी ज्यादा हो गई तो उसको क्या करना है, उसमें न्यूट्रलाइज करना है। या हम क्या करते हैं, देखो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एक काम कर दिया या ऐसे दौड़ गए इधर उधर, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, दोबारा से हम जो है वो स्टेबल पोजिशन में आ जाते हैं, ठीक है। सेम पोजिशन में, सेम यहाँ पे क्या होता है, यदि हम ए की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या बी की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो जाके दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आर ये जो चेंज हमने चेंज क्या किया अभी देखो कि कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दी हमने, ये सिस्टम तो ये पूरे का पूरा किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, ओके। तो ये क्या जाता है, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन आ जाती है, ओके। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन में आपने देखो ये पॉइंट्स भी, ये इनको आप खुद लिख सकते हैं, कंसेंट्रेशन यदि हम ए और बी की बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सी और डी की बढ़ाएंगे तो ये साइड पर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन। इसमें ही हमारे पास देखो नेक्स्ट आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे करेंगे हम। हाँ, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं आपको कि N2 गैस है हमारे पास प्लस 3H2 गैस, हवर्स प्रोसेस को बताता हूं। हवर्स प्रोसेस जो है ये भी इक्विलिब्रियम में होता है, 2NH3 अमोनिया गैस इसकी फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे डेल्टा एच माइनस 92 समथिंग किलो जूल के इक्वल होता है, 92.2 या 5 के ये करीब पे होगा ये डेल्टा एच, ओके। यहां पे देखो अब एक प्लांट लगा हुआ है हेवर्स प्रोसेस का, जहां पे अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होगी, अमोनिया। तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, अमोनिया क्या बने, ज्यादा से ज्यादा बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, N2 और H2 जो है क्या जाता है, N2 और H2 इसकी कंसेंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। यदि हम नाइट्रोजन देखो N2 की सप्लाई ज्यादा देंगे, N2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो NH3 जो ज्यादा से ज्यादा बनेगा, H2 की कंसेंट्रेशन को भी बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, NH3 जो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि यदि हम इन दोनों की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो जो रिएक्शन है वो किस साइड को प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो ज्यादा से ज्यादा NH3 जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। आई समझ, यदि हम N2 और H2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो ज्यादा से ज्यादा NH3 जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ओके। एंड देन नेक्स्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ, ये रिचर्ड गियर प्रिंसिपल आपको लग गया ना, बताइए, ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं, देखो कोई सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम पे है, उस पे यदि हम चेंज कर रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पे है कोई सिस्टम, चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर कंसेंट्रेशन और प्रेशर की, तो यहां पे क्या जाता है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम अपने आप को इस वे में एडजस्ट करता है कि जो चेंज हमने की हुई है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाती है और अंडू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे देखो हम इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपने ये समझने हैं, ओके। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपने क्या करना है कि देखो कोई सिस्टम यदि हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा तो आपने फर्स्ट पॉइंट इसका लिख लो, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम
इंक्रीज्ड। सिस्टम कौन सा? जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है ना, इंक्रीज्ड। देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ टुवर्ड्स द, किसकी ओर? टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किस साइड को प्रोसीड करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन की साइड को प्रोसीड करेगा यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अब देखो कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है हमारे पास, इसमें ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, मतलब एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ये देखो ए टू वी, ये हमारे पास ऐसे करके है, ऊपर का रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक और नीचे का रिएक्शन क्या है हमारे पास एंडोथर्मिक, ओके। अब रेट ऑफ जो मतलब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है तो ये सिस्टम किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। अब यदि हम यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर देंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो जो बढ़ी हुई हीट होगी हमारे पास, हीट एनर्जी होगी, जो बढ़ी हुई हीट एनर्जी होगी वो कहां पे कंज्यूम होगी? वो कहां पे कंज्यूम होगी? देखो जो मतलब इस साइड को, जिस साइड को रिएक्शन क्या हो रहा है, जहां पे हीट एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो सके, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो क्या होगा? देखो वो उस रिएक्शन को फॉलो करेगा जिस साइड को एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिस साइड को वो हीट जो बढ़ी हुई हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जो चेंज आ रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ओके। तो यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यहां पे आपने याद रखना है, देखो टेम्परेचर इंक्रीज, ये मैं एरो दे रहा हूं, देखो इंक्रीज वाला टेम्परेचर इंक्रीज, देन देखो इक्विलिब्रियम किस साइड को शिफ्ट होगा, देन इक्विलिब्रियम शॉर्टकट में दिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट शिफ्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, एंडोथर्मिक की साइड को ये। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, देखो बी पॉइंट पे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स, किस साइड को शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके, किस साइड को शिफ्ट करेगा? देखो टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो अभी भी हमने अभी लिया हुआ था वो हेवर्स प्रोसेस का ही, N2 प्लस H2 3H2 है, दिस गिव्स ये क्या जाता है NH3 2NH3 गैसेस प्रोडक्ट है, ये भी गैसेस रिएक्टेड है, H2 गैस है, और डेल्टा एच जो आ जाती है हमारे पास देखो 92.96 के करीब आ जाती है किलो जूल में, ठीक है, माइनस में होती है सभी, है ना, पिछले रिएक्शन में भी देख लेना आपने, यहां पे माइनस होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव कब होती है? फॉर एक्सोथर्मिक के केस में, फॉर एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में इवॉल्व होती है। तो ऊपर वाला ये रिएक्शन क्या है हमारे पास एक्सोथर्मिक, और नीचे वाला रिएक्शन क्या होगा? ये एंडोथर्मिक, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब देखो जहां पे हेवर्स प्रोसेस का प्लांट लगा हुआ होगा, उस प्लांट में ज्यादा से ज्यादा NH3 बने, और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो कैसे मेंटेन होगा, ओके, तो उसके लिए क्या जाता है? देखो लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल ने एक कंडीशन दी कि देखो ज्यादा से ज्यादा NH3 की प्रोडक्शन के लिए NH3 ज्यादा से ज्यादा बने, इक्विलिब्रियम किस साइड को रहना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कैसे जाएगा?
इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो कैसे रहेगा? मैंने आपको दो कंडीशंस बताई, देखो ऊपर वाला रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक, नीचे वाला रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक का है। तो अब यहां पे क्या आ जाता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ही रहेगा जब ये एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक किसमें है? इसमें, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सॉरी, है ना। जब हम टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिक्रीज किया देन इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम किस साइड को शिफ्ट करेगा? टुवार्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवार्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किस साइड को शिफ्ट कर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। यदि मतलब ज्यादा से ज्यादा NH3 बनेगा तो फेवरेबल कंडीशन क्या हुई? टेम्परेचर डिक्रीज करता है हमने। ओके, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। आपको क्वेश्चन आ गया, यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज किया हमने तो इक्विलिब्रियम जो किस साइड को शिफ्ट होगा? टुवार्ड्स द एंडोथर्मिक डायरेक्शन, ये एंडोथर्मिक में जाएगा। ओके, किस साइड को शिफ्ट करेगा? ये टेम्परेचर यदि डिक्रीज किया, सॉरी इंक्रीज किया ना, यहाँ पे ऊपर भी मैंने डिक्रीज ही किया था, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंडोथर्मिक की ओर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, देखो टेम्परेचर से रिलेटेड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। ये एग्जाम्पल्स में भी कर दिया और बाकी और एग्जाम्पल्स में भी करना है आपने, इसको ढंग से स्टडी करना है। नहीं आए समझ दोबारा से पूछ लेना और दोबारा से यहां पे देख लेना, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, इसमें ही जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है हमारे पास N2, और इसमें एक और एग्जांपल आता है। नेक्स्ट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ये आपने कंपटीशन लेवल के लिए याद रखना है। ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे स्पेशली क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये लिखना है, देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो Kf है, रेट कांस्टेंट फॉर, नहीं ये जो, हाँ रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, कि क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वो ज्यादा है और Kb की वैल्यू क्या है, कम है, तो हमारे पास K क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपने सेकंड पॉइंट में करना है, देखो कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज्ड, देन क्या होगा, देखो हमारे पास Kf इज लेस देन Kb, अपोजिट हो जाएगा, दैट इज यहां पे लिखना है K डिक्रीज्ड, K क्या करेगा, डिक्रीज्ड कर जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। इसमें ही थर्ड पॉइंट एक और आता है, यदि रिएक्शंस में कोई जो हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो जीरो है, ठीक है, यहां पे थर्ड पॉइंट आ जाता है, इफ हीट ऑफ रिएक्शन इज जीरो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, यदि हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, हीट ऑफ रिएक्शन वो जीरो आ जाती है, याद रखना है, मैं थर्ड पॉइंट यहां पे लिखने रहा हूं। तो हीट ऑफ रिएक्शन जब जीरो आ जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। ओके, तो आज के लिए हमने कंसंट्रेशन और जो टेम्परेचर है इसका इफेक्ट पड़ा। हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। ओके, वॉल्यूम का भी रह गया एक, तो वॉल्यूम और प्रेशर जो वो रिलेटेड ही है। थैंक यू।